बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं हूँ सुबान कुरैशी। लाड़काना से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जीशान उन्नड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हुमायूं की हदूद चोड़ियों साधियों लिंक रोड के करीब डाकू डकैती के इरादे से खड़े थे। थाना हुमायूं के SHO रफीक अहमद सुमरो को इतला मिलने पर निशानदही की जगह पहुँच गए। डाकुओं ने पुलिस को देख कर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 5 डाकू फरार। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम से 1 अदद पिस्टल और गोलियां बरामद हुईं। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को इलाज मुआलजा के लिए अस्पताल रवाना किया गया। पुलिस ने इलाके को घेरा में ले लिया, सर्चिंग जारी है। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है।